आप फिर से EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है तो EWS सर्टिफिकेट अपने मोबाइल फ़ोन से आप कैसे डाउनलोड करेंगे आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर कंप्यूटर लैपटॉप भी आपको डाउनलोड करना हो तो आप सेम टू सेम इसी तरह डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैं मोबाइल फ़ोन से आपको करके दिखाने वाला हूं कि डीजी पे कैसे कि आप EWS कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं सुजीत सैनी, स्वागत करते हैं आप सबका ऑनलाइन टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको मैं बारी बारी से दिखाता हूँ कि आप कैसे EWS को डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे। आज की वीडियो में फिर से आपको मैं बताने वाला हूं मैं कि आप EWS सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन अप्लाई किए हुए हैं तो EWS सर्टिफिकेट को कैसे आप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसानी से। आज की वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाला हूं आपको। इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। कोई भी ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हैं, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूं। और सिंपल से आप सर्च करना है सर्विस प्लस। जैसे आप सर्विस प्लस आप सर्च करेंगे तो कुछ ही तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। तो ऊपर की तरफ एक साइड देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सर्विस। यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, सर्विस onlineonline.gov.in इस पर क्लिक करना है। जैसे इसे ओपन करेंगे आप तो कुछ ही तरह से आपको देखने को मिलेगा एक और इंटरफेस खुल करके आएगा आपके सामने, ठीक है, जहाँ पे ये साइट ओपन करके आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे ये साइट ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। उसमें सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, जैसे कि यहाँ पे ओपन हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ ओपन होने से पहले। आपको बता दें फ्रेंड्स कि अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे फायदेमंद वीडियो आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारे सामने अभी तक ओपन हो रहा है। यहाँ पर इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स ये साइट कुछ इस तरह से ओपन होकर के आपके सामने चला है तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे देखने को नीचे की तरफ आएंगे आप तो यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको नागरिक वाला अनुभाग वाला ऑप्शन में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि नागरिक अनुभाग लिखा है, इसी वाला क्लो में मिलेगा आपको। यहाँ पे एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करें इस पर क्लिक करना है। जैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करें क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे करना क्या है कि जो भी आपका EWS का जो मिला है एप्लीकेशन नंबर उसे यहाँ पे डाल देना है। आपको यहाँ पे नाम डालना है जिनके नाम से अप्लाई किए हुए हैं। इस वाले कैप्चर को आपको यहाँ पे डालना है, फिर डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे डिटेल्स हम सब कुछ पहले डालते हैं। मैंने डिटेल्स यहाँ पे फिर डाल चुका हूँ और डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैं डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक किया हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गया है। फिर से यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डाउनलोड अगेन पे, तो यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है। मैं यहाँ से PDF भी ब्राउज़र में ओपन करके इसे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और मेरा यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट जो है मेरे यहाँ पे बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। तो कुछ ही तरह से जो है आप अपने EWS सर्टिफिकेट को फिर डाउनलोड कर सकते हैं अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसानी से। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।